So good morning everyone, children. Today we shall start next topic, that is major food crops. And today we shall start wheat. We will go through what are the required conditions for the production of wheat and the distribution area, what kind of soil is required. Okay, look at the first point. Second most important cereal food crop is wheat, that we consume in our daily life. Without wheat, without chapatis, we cannot live. Even so many things we get from wheat indirectly, porridge and dalia and so many things. Okay, so wheat flour is very important. It is included in our staple food, main food crop in North India and northwestern part of the country. So it is very important, requires cool growing season and bright sunshine at rightly. We know that what is the time period for the production, for the growth. When we sow the seeds, what will be the timing? Is it a kharif or a rabi crop? Yes. Who will speak? It's a rabi crop. Yes, very good. So rabi crop. Yes. So you will write first of all. मैंने कल आपको एक table बताया था याद करने के लिए. तो आप वो criteria बना करके इसमें लिखने जाओगे. यहाँ पे what is the climatic conditions required? ठीक है. Then you will write temperature. Then soil, ठीक है, जो कल आपको एक बताया था टैबुलेशन के फॉर्म में फॉर दी लर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कौन से स्टेट में, ठीक है, एंड पैटर्न, विच टाइप ऑफ क्रॉप पैटर्न इन विच वी ग्रो, ठीक है. देन यू विल राइट योर व्हाट हाउ मच रेनफॉल विल बी रिक्वायर्ड फॉर दी रबी क्रॉप. यस चिल्ड्रन, प्लीज टेल. Approximately 75 cm and not more than that, 75 to 80 cm rainfall will be enough for the wheat. Okay? Ma'am, but in our pocket is written 50 to 75 cm. Okay, 50 to 75 likha hai. Not above 75, you can write, not above 75. It can be 50 to 75 cm, not more than that. Okay, what temperature? What temperature will be required? Yes, Pragati? Cool temperature. Yes, ma'am, yes, ma'am, I'm telling. Bolo. Ma'am, temperature is because of the cool growing season, winter. Yes, so temperature is cool, quite less than 25 cm. ठीक है, 25 सॉरी सेंटीमीटर ही याद आ रहा है, लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, हाँ 25 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए टेम्परेचर. माइल्ड कूल टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, ठीक है. बहुत ज़्यादा ठंडी अगर होती है तो भी ये अफेक्ट कर सकती है क्रॉप को. इसको हम कहते हैं कि सर्दियों में जैसे पाला पड़ गया, ठीक है, तो क्या होगा, जो रबी क्रॉप है वो खराब हो जाएगी, ठीक है. बारिश अगर ज़्यादा हो गई तो भी खराब हो जाएगा. Now what type of soil is required? किस type की soil चाहिए? Yes, this soil is required like the black soil. Black soil. Alluvial mud. Alluvial mud. It is mixed mud soil. Okay, very good. So it is grown basically in alluvial soil. Alluvial soil में best grow होगी. और some parts in black soil also we are producing wheat. ठीक है, ब्लैक सॉइल में भी हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है. देन डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूटेड एरियाज वेयर वी कैन ग्रो. यस मैम. यस मैम, इट इज लाइक देयर इज अ गंगा प्रदेश. ओके ओके, सब लोग एक साथ बोल रहे हैं, ठीक है. मसलन दे पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश बिहार. ओके ओके, ठीक है, वेरी गुड. सो चिल्ड्रन, डिस्ट्रीब्यूशन में ऑलमोस्ट इंडिया के जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट है सभी जगहों पे ग्रो होता है. यूपी में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वीट का जो है वो कौन है, पंजाब और हरियाणा है, ठीक है. पंजाब एंड हरियाणा ये दोनों जो है वो सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं वीट प्रोड्यूसर्स, ठीक है, वीट बाउल. देन यूपी वेस्ट, पार्ट्स ऑफ बिहार, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, इन सभी जगहों पे ग्रो किया जाता है. राजस्थान में भी ग्रो हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंड वेस्टर्न पार्ट में नहीं, लेकिन कुछ जो है सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान है उन जगहों पे ग्रो किया जा सकता है.
ठीक है, क्रॉप पैटर्न कौन सा है, कौन सा क्रॉप पैटर्न है, इट इज रबी क्रॉप, ठीक है, तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ इट इज रबी क्रॉप, हमने पहले शुरू में लिख दिया था वीट इज रबी क्रॉप, ठीक है, तो ये विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है। दीज आर सम स्पेसिफिक फीचर्स, पॉइंट वाइज आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी अगर आप इस तरीके से याद कर लोगे। You can see requires cool growing season and bright sunshine and ripening. क्योंकि tender plant है, जब seeds इसमें आ जाती है उसके बाद हमें इसको dry होने के लिए अगर humid रह जाएगा, अगर इसमें थोड़ा भी moisture हो जाएगा तो wheat will be spoiled, हम इसको ज़्यादा time तक के लिए store नहीं कर सकते, ठीक है, वो damage हो जाएगी, जैसे आप देखते हो ना black fungus type हो जाता है, तो वो humidity नहीं चाहिए, bright sunshine चाहिए at the time of ripening. ओके, रिक्वायर्स 52 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल एंड इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स आर सतलज, गंगा, सतलज प्लेन्स, हम इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर जो गंगा सतलज प्लेन्स हैं, ब्लैक सॉयल रीजन्स इन डेक्कन, ये दो जोन है जहाँ पे कि वीट प्रोड्यूसिंग रीजन्स बोला जाता है, इंडिया के वीट प्रोड्यूसिंग रीजन्स कौन से हैं, अगर स्टेट्स नहीं पूछा गया है तो रीजन्स अगर पूछा गया है तो आप गंगा सतलज प्लेन्स और ब्लैक सॉयल रीजन्स आंसर देंगे, ठीक है, स्टेट्स अगर पूछा गया है ओके, देन यू विल राइट पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पार्ट्स ऑफ एमपी, एक्सेट्रा। नाउ यू कैन सी दीज आर दी वीट प्रोड्यूसिंग रीजन्स इन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, आप देख सकते हो जो हमारा ये थोड़ा सा पीच कलर शेड दिख रहा है वहाँ पे लार्जेस्ट ये सारे रीजन जो हैं वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं, दीज आर दी पार्ट्स ऑफ सतलज प्लेन्स, ठीक है, जो अपर पार्ट है एंड डाउनवर्ड्स ये गंगा प्लेन्स, ठीक है, जहाँ पे कि हम वीट प्रोड्यूस करते हैं, तो मेजर एरियाज एंड माइनर एरियाज आर रिप्रेजेंटेड इन दिस मैप, इट इज गिवन इन योर बुक ऑल्सो, ठीक है, तो ये भी वन मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सा वीट प्रोड्यूसिंग है और कौन सा राइस प्रोड्यूसिंग है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन, मिलेट्स, सो व्हाट आर मिलेट्स, यस, इज देयर एनीवन हु कैन स्पीक, मिलेट्स क्या है, आप में से कौन बताएगा, यस प्लीज टेल व्हाट आर मिलेट्स, शुभम, श्रेया, शुभम, अंशा, यस, यस, ज्वार, बाजरा, रागी, जौ, ड्राई बीन्स, यस, वेरी गुड, इट इज जनरली ग्रोन इन ड्राई बीन्स, इट डजंट रिक्वायर मच यू नो रेनफॉल, इरिगेशन की जरूरत नहीं है, ये ड्राई रीजन्स में, प्लेटू रीजन्स में ग्रो किए जा सकते, ठीक है, एज वी नो दैट मिलेट्स आर कोर्स ग्रेन, कोर्स ग्रेन का मतलब क्या है, जो थोड़ी दानेदार होती है ना, जो थोड़ी कोर्स हार्ड ग्रेन होती है, जिसको पहले हम इनिशियल स्टेज में जब हम बहुत सिविलाइज नहीं थे, जो हमारा एंशियंट कल्चर था उस टाइम पे लोग उस पर ज़्यादा कंजम्पशन करते थे मिलेट्स का, ठीक है, फिर जैसे जैसे हम थोड़े मॉडर्न होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमने इनका कंज्यूम करना थोड़ा कम कर दिया, बट दीज आर वेरी न्यूट्रिशियस, ठीक है, बहुत ही न्यूट्रिशन होता है इन ग्रेन्स में, और जो लोग पूरा डाइट फूड फॉलो करते हैं दे कैन स्टार्ट यूजिंग, राइट, देखो मिलेट्स यहाँ पे कौन कौन से हैं, यू कैन टेक द एग्जांपल्स, ज्वार, बाजरा एंड रागी आर द इम्पॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया, दो दीज आर नोन एज कोर्स ग्रेन्स दे हैव हाई न्यूट्रिशनल वैल्यूज, ठीक है, कोर्स ग्रेन्स हैं, मिलेट्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं, मिलेट्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं, मिलेट्स को हम क्या कहेंगे, हिंदी वर्ड तो मुझे याद नहीं आ रहा है, क्या बोलेंगे, कौन बता रहा है, बताइए, व्हाट आर द मिलेट्स, बाजरा तो हम कहते ही हैं, बाजरा को बाजरा कहते ही हैं, है ना, लेकिन मिलेट्स को क्या कहते हैं, कौन बता सकता है, स्वास्थी, यस, हिंदी नेम ऑफ मिलेट, फाइंड आउट, टू ट्राई टू
search the exact Hindi word, but with, the main examples of millets are jowar, bajra and ragi. And millets means boar's grains, ठीक है? जो थोड़े दानेदार होते हैं, दानेदार अनाज जिसको बोलते हैं, दानेदार अनाज millets का मतलब है, ठीक है? तो उसके examples क्या हैं? जवार, बाजरा एंड रागी, राइट? आप देखोगे यहाँ पे पिक्चर्स के साथ है, बेसिकली ये थोड़ा ड्राई रीजन से आए हैं, अफ्रीका पार्ट्स ऑफ डेजर्ट उन रीजन से आए हैं जहाँ पे कि बहुत कम बारिश में भी ये ग्रो किए जा सकते हैं, ठीक है? रागी इज रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड रफेज इट इज अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन्स एंड ग्रोज वेल्स ऑन वेल ऑन रेड ब्लैक एंड सैंडी लोमी एंड शेलो सॉइल. कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे. आप इमेजेस देख सकते हो, इनकी दी हुई है, बुक में नहीं दिया है इतना. यस, ओके. नाउ आई विल शो यू दिस पीडीएफ. ठीक है, हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं क्योंकि यहाँ पे सेपरेट करके मिनट्स को दिया गया है. ठीक है, आप यहाँ पे दिख रहा है सभी को? Can you see? Yes. On page number 38 page number पे है ये. ठीक है, millets, ज्वार, बाजरा, रागी are the important millets grown in India. Though these are known as coarse grains, they have high nutritional value. For example, ragi is very rich in iron. ठीक है, it is reddish, very जैसे कि आपने मस्टर्ड सीड्स देखा होगा ना, वैसे इतनी छोटी होती है. एंड वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड रफेज. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डाइट. रफेज फूड जिसको हम कहते हैं, रफेज फूड जो है वो बहुत ही हेल्दी है. इट कंटेन्स फाइबर. एंड ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप. तो यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल भी आ सकता है कि विच टाइप ऑफ फूड ग्रेन इज कंटेनिंग हाई रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और कंटेनिंग रफेज. ठीक है, सो यू कैन जस्ट फाइंड आउट, आइडेंटिफाई कर लो कि इट इज कॉल्ड रागी. फॉर एग्जाम्पल, ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू द एरिया एंड प्रोडक्शन. एंड इट इज रेन फेड क्रॉप, मोस्टली ग्रो इन द मॉइस्ट एरियाज विच हार्डली नीड्स इरीगेशन. ठीक है, सो रेन फेड एरियाज वी डू नॉट नीड टू इरीगेट सच काइंड ऑफ क्रॉप. Generally, these are based or depend on rainfall और बारिश पे ही, जो बारिश होती है तो ये अपने आप ग्रो हो जाती है. बहुत ज़्यादा हमें इसको केयर करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, सो ज्वार जिसको कि हम फॉडर क्रॉप भी कहते हैं, एनिमल्स कैटल्स को हम सर्व करते हैं, जो फूड होता है ना उनका आपने देखा होगा, उसको कटिंग करके ट्रैशेस पे फिर हम उनका चारा बनाते हैं. ठीक है, तो वो फॉडर क्रॉप भी है. ठीक है, एनिमल्स को जो हम देते हैं, गाय भैंस को चारा देते हैं, तो उससे क्या होता है कि हाई न्यूट्रिशनल वैल्यूज कंटेन करती है और इट इज गुड फॉर द एनिमल्स. ओके, सो सम पार्ट्स आर महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार, फॉलोड बाय कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. दीज आर द प्लेटियोस पार्ट जहाँ पे कि हम इन क्रॉप को ग्रो किया जा सकते हैं. ठीक है, देन बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल एंड शेलो ब्लैक सॉइल. तो बाजरा कहाँ पे होगा? ये थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड पार्ट्स ऑफ एमपी एंड महाराष्ट्र एंड राजस्थान, जो थोड़ा सा हमारा वेस्टर्न साइड का जो पार्ट है, जो प्लेटू का बिगनिंग है, पेनिनसुलर प्लेटू का, उन रीजन में जहाँ पे कि थोड़ी सैंडी सॉइल भी है, सेमी एरिड रीजन है और ब्लैक सॉइल भी है. ठीक है, तो इन रीजन्स में हम बाजरा ग्रो कर सकते हैं. राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा. सो वी हैव ऑलरेडी गिवन यू एग्जांपल यस्टरडे दैट पीपल इन राजस्थान एंड गुजरात दे यूज भाकरा रोटी जो कि बाजरे से बनी होती है. ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो वेरी न्यूट्रिशियस. या इसमें भी फाइबर और रफेज कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, आर यू गेटिंग ऑल ऑफ यू? रागी इज अ क्रॉप ऑफ ड्राई dry regions and grows well on red, black, sandy and loamy, shallow, black soil. In regions में जो है वो हम रागी को grow कर सकते हैं. रागी is again nutritious grain. Karnataka is the largest producer of ragi,
followed by Tamil Nadu. So this is only one example जहाँ पे कि हम एक दो states को mix भी कर देंगे तो भी शायद checking करने वाले को checker को पता नहीं चल पाएगा, ठीक है? तो वो consider कर लेगा कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, इन regions में हम रागी grow कर सकते हैं, ठीक है? इतना clear है? Now look at the maize. Maize is another major food crop. Okay, it is crop which is used for both food and fodder. It is a kharif crop which requires temperature between 21 to 27 degrees Celsius and grows well in old alluvial soil. In some states like Bihar, maize is grown in rabi season also. ठीक है, so maize, मक्का, ठीक है, आप आजकल देख ही रहे हैं, it is in season now. ठीक है, because it is a kharif crop, so we can find this maize in rainy season. ठीक है, nowadays it is available in the market. Okay, so it can be produced in 21 degree Celsius to 27 degree Celsius and in rainy season, and it can be grown in well old alluvial soil. Old alluvial soil जो है उसका एक नाम होता है, क्या नाम है, कौन बताएगा? That is बांगर और खादर, दोनों में से कौन सा है? बांगर नाम बांगर बांगर yes okay बांगर बांगर मुझे कुछ confused हो गई मैं, बांगर है कि खादर है? बांगर बांगर खादर is new alluvial. okay yes ठीक है, चलो ठीक है. Kharif can be grown in old alluvial soil and it requires HYB seeds so that we can grow more and more in single, you know, जो हमारा single flower होता है इसका, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें seeds मिल सकते हैं, okay? And it also requires fertilizers, irrigation, okay? Largest producing states are Karnataka, Uttar Pradesh, parts of Bihar, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh. ठीक है, तो ये कुछ रीजन्स हैं. अब यहाँ पे कुछ लोग जो है वो कंफ्यूज अगर हो भी जाते हैं तो वो कोई ना कोई स्टेट पर लिख ही देंगे और शायद जो एग्जामिनर है वो कंसीडर कर देंगे, ओके? बट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अगर पूछा जाएगा देन यू हैव टू राइट डाउन द करेक्ट आंसर, ठीक है? मीन्स एप्रोप्रिएट आंसर आपको अगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूछा है, एग्जैक्ट प्लेस पूछा है, तब तो आप एग्जैक्ट आंसर लिखोगे. नाउ लुक एट द नेक्स्ट, दैट इज पल्सेस. पल्सेस इज अगेन लेग्यूमिनस प्लांट एंड मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. ठीक है, मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन इंडिया एंड एज वेल एज इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑल्सो बिकॉज वी कंज्यूम पल्सेस इन आर डेली फूड. दिस इज आवर स्टेपल डाइट. It is the major source of protein. Okay, yes, Swasti, is there any doubt? Mom. Is there any question? Kisi ko koi doubt hai? Please ask. No, ma'am. Please switch on your camera, okay? Some more students added in this period, 36 students. Okay, very good. Okay, chalo. Next, yes, Priya, is there any doubt? Ma'am, there can be a key person to remember that there is a major source of production of maize there. This MA, it is referring to Madhya Pradesh and Andhra Pradesh. Yes, very good. Okay. Now look at the next one. Ma'am, I want to ask something. Haan, bolo. Boliye. Ma'am, makka will also come in which category? Millets only? नहीं, millets में नहीं आएगा. Maize is different. Because it's a kharif crop. Yes. Okay. It is a kharif crop which requires temperature and all that we have learned. What are the features of kharif crops? Okay. Now look at the pulses. India is the largest producer as well as the consumer of pulses in the world. These are the major source of protein in our vegetarian food. And major pulses grown in
इंडिया तूर दाल, तुअर दाल जिसको हम अरहर बोलते हैं भाई, येलो दाल, मैं तो कलर्स के नाम से याद कर लेती हूँ, येलो दाल, ग्रीन दाल, ठीक है, ब्लैक दाल. यस जस्ट वेट चिल्ड्रन, प्लीज वेट. So here, what kind of pulses we are consuming? You can just check. That is tuwar dal, urad, moong, masoor. सबको पता है? पता है कि नहीं पता है? देखी है कभी ये दाल? Yes ma'am. सबने देखी है? Yes ma'am. Okay, what is the meaning of leguminous? Ma'am, अरहर की दाल, मूंग की दाल and all that. Yes, यारे देखा है बेटा आपने ये सारी दालें? Yes or no? He is not listening. Khai nahi hai na? Khai nahi hai na? Yes, Swasti. Yes, Swasti. I'm thinking that these are both subject pulses have a symbiotic relationship with nitrogen-fixing bacteria, like Rhizobia. So they fix the atmospheric nitrogen into inorganic nitrates. Yes, that enriches the soil. Yes, very good. So it actually increases the fertility of the soil. है ना? तो pulses are very good. Pulses are more protein, like they contain more protein and yes. Okay, so leguminous, which is actually having seeds, जिनको हम फली दाल कहते हैं, and it is having high protein value, and it actually increases the nitrogen. Fertility of soil. ठीक है? Now, ma'am, दाल का ऐसा दिखने में कैसा होता है? मतलब जब ma'am at the growing stage. क्या क्या बोल रही हो? दाल कैसे दिखने में होता है? ma'am ये पार्ट कैसा होता है और उसे दाने निकालने के लिए और वो झाड़ को वो झाड़ी की तरह भी इस्तेमाल करते हैं. Yes, ma'am. Yes, yes. जो रूरल एरियाज में है स्टिल दे यूज सच काइंड ऑफ यू नो थिंग्स फॉर with high temperature,
almost 21 to 27 degrees Celsius, and an annual rainfall between 75 to 100 centimeter. So basically अगर आप देखोगे तो ये temperature जो है वो rainy season के आसपास होता है, जब humidity increase हो जाती है, high humidity होती है, ठीक है. And उत्तर प्रदेश, parts of पंजाब, राजस्थान के कुछ parts, हरियाणा and parts of मध्य प्रदेश as well as कर्नाटका, महाराष्ट्र, ठीक है. These are some states जहाँ पे कि शुगर केन प्रोड्यूस होता है, बट सबसे ज़्यादा जो शुगर केन प्रोड्यूस होता है वो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र स्टेट में होता है. उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन. ओके, कैन बी ग्रोन ऑन शुगर केन कैन बी ग्रोन ऑन वेराइटी ऑफ सॉइल्स एंड नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग. इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर ब्राजील. ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन.